अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त अपनी कज़न के घर आई हूँ जो कि पंजाब में रहती हैं। पंजाब में मेरी खाला भी रहती हैं और मेरी तमाम ये जो कज़न वगैरह हैं वो भी पंजाब में ही रहती हैं। तो इस वक्त हम इनके घर आए हैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हैं, जिसमें बना रही हैं चिकन पुलाव। और ये गैस यहाँ पर नहीं है इसलिए चूल्हे पर बन रहा है। खाला की तरफ गैस आ गई तो वो बनाती हैं, गैस पर बना लेती हैं। जो ये चूल्हे पर बनता है इसका भी एक अपना टेस्ट होता है। भाभी मेरी काट रही है शकरकंदी और इसके ऊपर डाल रही है चाट मसाला। ये हम आए थे तो बाजी ने जो है शकरकंदी उबाल के रखी थी, अंडे इन्होंने हमें उबाल के खिला दिए। सर्दी यहाँ पर बहुत है, कराची में तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं है लेकिन यहाँ पर बड़ी सर्दी है। और अब ये इन्होंने किन्नू काट के वो भी इसके ऊपर डाल दिया और ये एक मज़ेदार सी जो है शकरकंदी की चाट रेडी हो गई। बाजी ये आप पका रही हो तो ये जो इतना धुआं उठ रहा है तो आपकी आंखों में आंसू नहीं आते? पका लेती आराम से। नहीं आता, आदत पड़ी है मुझे। अच्छा जी, आदत पड़ रही है। और मैं यहाँ खड़ी हूँ, हालांकि अभी मैं थोड़ी सी देर के लिए खड़ी हुई हूँ और मेरी आंखों में जो है ना बहुत ज़्यादा आंसू आ गए। हमें आदत है ना। अभी खाना खाने के बाद इंशाल्लाह हम जाएंगे जो भाभी की सारी ज़मीनें हैं और उसके ऊपर जो कुछ भी लगा है वो देखेंगे। बाजी उधर हमारे लिए खाना तैयार कर रही है, मुझे तो फ्लू हो गया। अच्छा ये भाभी हमारे लिए सैलड तैयार कर रही हैं। ये इनके घर की लगी हुई मूली आई है और इनकी ज़मीनों पर मूली भी लगती है। और यहाँ की जो ये मूली है बहुत अच्छी होती है, मीठी मीठी, जैसे हमारे कराची में होती है ना, इतनी कड़वी रूखी खाई नहीं जाती। और ये बड़ी अच्छी होती है, मीठी मीठी, कि आप इसको पूरी को रूखा भी खा लें। और ये बस बड़े मज़ेदार से हमारी बाजी ने जो है पुलाव रेडी कर लिया है, दम आ गए हैं चावल। अब ये हमारे लिए लंच लगाएंगी, लंच करके इंशाल्लाह हम जो है विजिट के लिए जाएंगे, यानी कि घूमने के लिए जाएंगे बाकी जो भाभी की ज़मीनें हैं उन पर। और अभी ये बाजी जिठानी आपकी देवरानी है, बाजी की देवरानी जिठानी है उनकी बच्ची है। ये बहुत छोटी सी है और ये देखिए चटाई साफ़ कर रही है सर। अच्छा ये छोटे छोटे बच्चे भी ना बड़ा अच्छा सा काम करते हैं, और शहर में तो बच्चे बड़े भी हो जाए तो जल्दी जल्दी काम नहीं कर रहे होते हैं। और इनकी दूसरी बेटी जो है वो लगा रही है हमारे लिए लंच लगा रही है। हमारी बाजी की जो ये बेटी है बहुत अच्छी है और माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम करती है, जल्दी जल्दी इसको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आप देखो कितने तरीके से जो है ना इसने खाना लगाया है। गर्मा गर्म पुलाव भी रेडी हो गया। अभी दोपहर का 1 बजा है और हमने इधर इसलिए कि जल्दी जाग जाते हैं, सुबह जल्दी होती है, नाश्ता जल्दी कर लेते हैं तो फिर दोपहर का खाना भी जल्दी खा लेते हैं। अब आजी ने हमारे लिए गाजर की खीर बना के रखी है, इन्हें पता था आज हम आ रहे हैं इनके घर। और अभी पुलाव तो इन्होंने हमारे सामने ही रेडी किया है। पंजाब की एक जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि यहाँ के सब लोग बहुत अच्छे होते हैं। मेहमान किसी एक घर का होता है और बाकी जो है वो सब मिलने भी आते हैं, अपने घर बुलाते भी हैं और दिल के बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे अखलाक के होते हैं, बहुत मोहब्बत से मिलते हैं। और ये बात वैसे शहर में नज़र नहीं आती है। जो यहाँ की बात है वो ये है, हमारे खालू हैं वो भी माशाल्लाह से इतने अच्छे हैं, मेरी तमाम खाला बहुत अच्छी हैं, उनकी बहू सारी बहुत अच्छी हैं, बेटियाँ बच्चे, माशाल्लाह से पूरा ख़ानदान जो है वो बहुत अच्छा है। अभी मैं जहाँ जहाँ जाऊँगी कोशिश तो है मेरी कि मैं वीडियो बनाऊँ और इंशाल्लाह मैं आपको अपने खालू से मिलवाऊंगी। वो बहुत अच्छे हैं, नाइस पर्सन हैं, रिटायर्ड फ़ौजी हैं, फ़ौज में थे और फ़ौज से वो रिटायर हो चुके हैं। माशाल्लाह से उनके सब बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर इतना सकून है, हरियाली है, तमाम सब्ज़ियाँ यहाँ की इतनी अच्छी होती हैं, फ्रेश। और ये मेरी भाभी ने मुझे इतनी सारी बोटियाँ भर दी हैं कि जैसे सारा जो है ना खा के मैंने बहुत सेहतमंद हो जाना है। जो ये सफ़र हमने किया था, हमने ट्रेन में किया था और ट्रेन का सफ़र हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा था। हमारे साथ जो बैठे थे वो भी बहुत अच्छे थे। इसके बाद हम उतरे तो हमें खालू लेने आए थे, हमारे कज़न हमें लेने आए थे। घर आने के बाद नाश्ता किया, ठंड बहुत है यहाँ पर, सर्दी बहुत ज़्यादा है। तो हमारी ये वीडियो जो है आज, ये वीडियो हमारी यहीं तक थी। इंशाल्लाह इसके बाद हम जो अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि हम किसी के बाग में जा रहे हैं खेत में। इंशाल्लाह भाभी के साथ जाएंगे तो भाभी की ही ज़मीनों पर जाएंगे। तो हमारी वीडियो में आज हमारे साथ यहीं तक था। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।